देखो बच्चों, मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी ना। सेकेंड एक्सरसाइज करनी है। ओके, देखो जरा, मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? मॉडुलस को डिनोट करेंगे मॉड ऑफ जेड या फिर आर से। इसे डिनोट करेंगे मॉड ऑफ जेड या फिर आर से, और ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए। व्हाट इज ए? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस व्हाट इज बी? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। बच्चों मैंने बहुत बार बताया है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं होता, आयोटा की वजह से इमेजिनरी होता है, ठीक है? राइट, दिस इज एक्चुअली क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा, राइट? तो हम इसको प्लेन में, इस प्लेन को बोलते हैं एर्गेन प्लेन। क्या? एर्गेन प्लेन, क्या बोलते हैं इसको? एर्गेन प्लेन। तो एर्गेन प्लेन में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेंगे वाई एक्सिस पे। तो ये क्या होगा? वन टू, वन टू थ्री। ये जो पॉइंट होगा 2, 3, दिस पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ये जो 2, 3, 2, 3 पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, राइट? बच्चों इस पॉइंट का सपोज मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस ये डिस्टेंस क्या है? मोड जेड। क्या है ये? मोड जेड, ठीक है? क्या है ये? मोड जेड, राइट? ओके, और मोड जेड, हम मोड जेड इज इक्वल टू, मोड जेड को या तो आर से डिनोट करेंगे या मोड जेड, दोनों ही लिख सकते हो आप। और ये मोड जेड ओरिजिन से इस पॉइंट तक का ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, राइट? मोड 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 या फिर मैग्नीट्यूड, राइट? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू, जैसे वही कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले हम 2 प्लस 3 आयोटा, तो मॉड जेड कितना होगा? मॉड जेड होगा रियल पार्ट का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर। आयोटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कल्याणी, कल्याणी क्या नहीं लिखेंगे? आयोटा। 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, 3 का स्क्वेयर 9 हो गया, ठीक है? कितना आ गया? √13, करेक्ट? क्लियर हुआ ये? ओके, नेक्स्ट इज, मान लो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ, जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। सो मोड जेड कैसे फाइंड करेंगे आप? मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर 4, और -3 9 हो गया, √13। इस टाइप से आप मॉडुलस ऑफ जेड या मोड जेड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है बच्चों? आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं? आर्ग्यूमेंट है सही उसमें या इस बार नहीं है? हमें तो पता भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों? तो मॉडुलस हम ऐसे फाइंड करेंगे, राइट? जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी के कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे ही हैं। फर्स्ट फाइव एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज जेड इज इक्वल टू -1 -1 माइनस आयोटा √3। सो मॉड जेड क्या होगा? मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वेयर प्लस में -√3 स्क्वेयर। सो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वेयर 1 होगा प्लस में √3 का स्क्वेयर कितना होगा? 3 हो जाएगा, दैट इज 4। ये क्या आएगा? 2 आएगा, करेक्ट? जैसे थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। सो व्हाट इज ए? ये क्या है यहाँ पर? -√3। बी क्या है? 1। मोड जेड क्या होगा? मोड जेड इज इक्वल टू -√3 होल स्क्वेयर प्लस में बी कितना है? 1, 1 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 3 प्लस
वन फोर क्या आ जाएगा. सो मॉडुलस ऑफ जेड इज इस टाइप से. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है. आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स जैसे फाइंड करोगे, जैसे अभी मैंने अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का इसने क्या एंगल बनाया, थीटा. तो ये थीटा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये जो एंगल है यही आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट. राइट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा दैट एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा और ये क्या है, थीटा इज आर्ग्यूमेंट. राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है. राइट, इन दैट केस ये वाला एंगल देखेंगे. राइट, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, थीटा, ये आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो ये एंगल आपको देखना है, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस इज आर, यही आपका आर. ठीक है, फिर से देखो जरा एक बार, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल आपका आर्ग्यूमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल आपका आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल आपका आर्ग्यूमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल आपका आर्ग्यूमेंट है. इस आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले बताओ कौन बता सकता है, क्या कोई बताने वाला है. आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए, आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सो क्या करेंगे बच्चों हम, दिस. सो आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो आप ये एंगल फाइंड करेंगे पहले. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसको अगर मैं अल्फा से डिनोट करूं तो ये अल्फा ही आर्ग्यूमेंट होता है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, ये अल्फा ही आर्ग्यूमेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए. तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपका क्वाड्रेंट, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, सो आप ये वाला एंगल फाइंड करेंगे पहले. ठीक है, ये एंगल फाइंड करेंगे और इस एंगल एंगल को मैं डिनोट कर देता हूँ अल्फा से. मान लो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया. ये एंगल मान, सपोज करो आपका एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा होगा, आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा होगा, आर्ग्यूमेंट होगा ये. ठीक है, पिंक वाला आर्ग्यूमेंट होगा. तो ये पिंक वाला एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस अल्फा. तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, 180 माइनस अल्फा. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे. राइट, क्योंकि ये एंगल फाइंड करना इजी होता है, अल्फा. राइट, एंगल अल्फा आ गया. ठीक है, एक एंगल क्या आ गया, अल्फा. ठीक है, उसके बाद आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, क्यों चलें आगे देखो जरा. सो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो देख लो एक बार, देखो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करोगे, जेड, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. जेड क्या है, 1 माइनस आयोटा. ए क्या है बच्चों, यहाँ पर ए, यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर क्या है, माइनस 1. ए क्या है, 1 और बी क्या है, माइनस 1. बच्चों टेन अल्फा कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा, टेन अल्फा होता है बी बाई ए, मॉड ऑफ बी बाई ए. टेन अल्फा क्या होता है, मॉड ऑफ बी बाई ए. राइट, तो मॉड बी बाई ए कितना आ गया, माइनस 1 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 1.
राइट बच्चों, टेन अल्फा अगर वन के इक्वल है तो ये बताओ अल्फा कितने डिग्री होगा। इस वन को आप क्या लिख सकते हो, 10 45। कंपेयर करोगे तो आपका अल्फा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। अल्फा आपके पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है जी, अल्फा हमारा 45 आ गया। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स तो वन है और वाई कितना है बच्चों, आयोटा के साथ में -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, -1, एक्स 1 और वाई कितना, -1। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इस ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, या यूं कहे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आर्गन प्लेन में जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, -1, और ये वाला जो थीटा एंगल बनेगा इस एंगल को कहेंगे आर्गुमेंट, इस एंगल को क्या कहेंगे, आर्गुमेंट, ठीक है। अभी हमने अल्फा फाइंड किया है, अभी हमने अल्फा फाइंड किया हुआ है ना, अल्फा फाइंड किया हुआ है राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आर्गुमेंट थीटा किसके बराबर होता है, -अल्फा के बराबर। आर्गुमेंट थीटा किसके इक्वल होता है, -अल्फा के बराबर। तो यहाँ से आर्गुमेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू -45 है, ये आपका आर्गुमेंट होगा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका किसके, आर्गुमेंट आपका किसके इक्वल होगा, -अल्फा के इक्वल, -अल्फा। अल्फा हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है 45 डिग्री, आप आर्गुमेंट फाइंड कर सकते। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करो जरा इस क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू क्या है, -1 + iota। तो ए क्या है बच्चों, यहाँ पर -1 है, बी यहाँ पर क्या है, b1 है। अब आपको फाइंड करना है, सबसे आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको टेन अल्फा फाइंड करना है, और टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है बच्चों b/a, और इसके ऊपर होता है मोड। सो अगर ये आप फाइंड करते हैं तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए हमारा, बी हमारा 1 है, ए हमारा -1 है, ठीक है। सो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। इस 1 को फिर से आप क्या लिख सकते हो, हम सेम क्वेश्चन तो नहीं करने लग गए, नहीं सर, ओके, टेन अल्फा हमारा कितना आ गया, 1 1, को इसको आप 10 45 लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो। सो बाई कंपेरिजन अल्फा क्या आ गया, π/4 आ गया। अब आपको देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए जरा, x-1 है, x-1 इधर होगा, y कितना है, 1 है, y क्या है, ऊपर होगा, और आप इसको देखोगे कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, -1, 1, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या कॉरस्पॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ए है। अब ये ए कौन सा आर्ग्यूमेंट बनाएगा बच्चों, ये वाला आर्ग्यूमेंट बनाएगा। तो पहले हम थीटा, जो हमने अल्फा निकाला है वो ये वाला एंगल है, और मैंने आपको बताया है पहले भी कि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होता है, π-α या 180-α। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π-π/4, दैट इज हाउ मच, 3π/4, दैट इज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कुछ बच्चों के लिए बता देता हूँ, एक होती है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म जो अभी CBSE के सिलेबस में नहीं है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू r into cos theta plus iota sin theta, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है राइट। बस आपको क्या करना है, आर मॉडुलस, मॉडुलस यहाँ से आप फाइंड करेंगे, जो हम पीछे सीख चुके हैं मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस में इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 1 का स्क्वायर। फिर से बच्चों बता देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लेना है, ठीक है। कितना आएगा, ये √2 आएगा, इसको आर से भी डिनोट करते हैं और मॉड जेड से भी डिनोट करते हैं। सो आर इज इक्वल टू आपका क्या है, √2 कॉस ऑफ थीटा आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टिजियन फॉर्म में था, अब आपने उसको पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये आर और थीटा होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर और थीटा क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स,
आर ये डिस्टेंस होता है और थीटा ये वाला एंगल है। किसी भी पॉइंट पे पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे आप लिखते हैं तो क्या कैसे होते हैं, जैसे एकदम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 एंड 2, इसी तरह से इस डिस्टेंस और इस एंगल के टर्म में भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आर थीटा। इस आर थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ वी आर एक्सप्रेसिंग आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। सो बच्चों ये सब तो मैंने बता दिया कि जो जेई वाले बच्चे हैं उनको पोलर फॉर्म लिखना आएगा तो ऐसे लिख लेंगे, बट सीबीएसई के सिलेबस में अभी ये नहीं है। ठीक है, कॉपी करना है या हम आगे चलें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, फिर बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। जैसे आपके बारे में क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में जेड क्या है, ये हमारा 5.2 का सेवन्थ क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है। 3 प्लस आयोटा 1 आयोटा। सो बच्चों ये 1 आयोटा है, 3 प्लस 1 आयोटा, एक क्या है, या ए की वैल्यू कितनी है, √3। करिए साथ साथ करिए आप, मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। b = 1, राइट, a = √3 और b = 1। सो सबसे पहले अगर आप मोड जेड फाइंड करना चाहते हैं तो मोड जेड क्या होगा, मोड जेड होता है बच्चों √a² + b² √a² + b² तो √a² + b² क्या आ जाएगा, और ए कितना है √3, √3 का स्क्वेयर लिखेंगे 3 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वेयर 1 लिखेंगे 4 हो जाएगा, दैट इज़ 2, राइट। ओके ओके, सो उसके बाद tan अल्फा √b/a। देखो जरा, सो बच्चों टेन अल्फा कितना आ गया हमारा, बी कितना है a 1, और अल्फा के ए कितना है √3। इसको आप क्या लिखेंगे बच्चे, ये tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, मोड आप हटा भी देंगे तो 1/√3 ही रहेगा, और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसके जगह आपने क्या लिख दिया tan 30। तो यहाँ से बच्चों बाई कंपेरिजन एल्फा क्या आ गया 30 डिग्री, एल्फा क्या आ गया 30 डिग्री, राइट। ओके नाउ आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा क्वाड्रेंट है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने कहा जब ए और बी दोनों पॉजिटिव है होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों आर्ग्यूमेंट थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल, राइट। सो यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, आर्ग्यूमेंट थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा, राइट। सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज 30 डिग्री या फिर 5/6 कुछ भी लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और 5/6 भी लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप पोलर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो मॉडल्स आप निकाल चुके हैं, r cos θ + i sin θ, वैसे ये सीबीएसई के सिलेबस में अभी नहीं है। सो ये दिस इज cos π/6 + i sin π/6, दिस इज नॉन एज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज बाकी क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो जेड कितना है, जेड है -3 प्लस, इस साइड में कुछ नहीं है, अकेला -3 है, तो आप इसमें लिख दीजिए -3 + 0 होगा। अब आप बताइए ए क्या है, ए हमारा -3 है, बी क्या है, बी हमारा 1 है, ए -3 है और बी क्या है 1। सो ओके माई बैड, b = 0। सो सबसे पहले आप मोड जेड फाइंड करना चाहते हैं तो मोड जेड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वेयर, किसका स्क्वेयर, रियल पार्ट का स्क्वेयर, रियल पार्ट हमारा -3 है, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर, राइट। सो क्या आएगा बच्चों, ये -3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9, 9 + 0 9, 9 का रूट निकालेंगे तो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब हम फाइंड करेंगे टेन ऑफ अल्फा, टेन अल्फा होता है मॉड ऑफ b/a, राइट, टेन अल्फा इज मॉड ऑफ b/a, बी हमारा 0 है, ए हमारा क्या है -3 है, रख देंगे वैल्यू, सम 0 अपॉन समथिंग 0 होता है,
तो टेन अल्फा यहाँ से कितना आ गया, टेन अल्फा जीरो आ गया, राइट। टेन अल्फा क्या आ गया, जीरो आ गया। टेन अल्फा क्या आ गया, जीरो आ गया। एक बात बताइए, टेन अल्फा अगर जीरो है, इसको आप टेन जीरो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टेन जीरो। बाई कंपेरिजन आप ये कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। टेन अल्फा इज जीरो, तो बाई कंपेरिजन अल्फा की वैल्यू हमारी जीरो होगी। नाउ अब आपको क्या लिखना है, कौन क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब आप बताइए मुझे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, तो थीटा कितना आ गया, पाई माइनस अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं जीरो है, तो थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। पोलर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप दोनों वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है। बाकी के सब आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते। एट्थ क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन क्या है, जेड इज इक्वल टू आयोटा। सो बच्चों इसको आप लिखेंगे जीरो प्लस, जीरो प्लस आयोटा, राइट। तो यहाँ लिख लो वन आयोटा, ए क्या आ गया जीरो, बी हो गया वन, ठीक है। मोड जेड क्या होगा, मोड जेड होगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जीरो स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, सो इट इज़ वन। मोड ऑफ जेड तो क्या होगा, वन। अब अगर आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट, सो पहले आपको टेन अल्फा फाइंड करना होगा। टेन अल्फा क्या होता है, मोड बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू वन है और ए क्या है, जीरो, ठीक है। सो दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब टेंजेंट कब नॉट डिफाइंड होता है, जब एंगल क्या हो, पाई बाई टू। टेंजेंट नॉट डिफाइंड कब होता है, टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होता है, राइट, करेक्ट। सो कंपैरिजन से अल्फा क्या बन गया, पाई बाई टू, राइट। अब ये देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट तो नहीं बनेगा इसमें, राइट। ये क्या है, जीरो, और वाई क्या है, पॉजिटिव। ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब आप इसको किस में मानेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट, किसी में भी माने आप। फर्स्ट में मानते हैं तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा हम निकाल चुके हैं पाई बाई टू। अगर आप सेकेंड में मानते हैं तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई टू, ठीक है, अगेन पाई बाई टू। तो आप कहीं भी माने, आंसर आपका क्या आएगा, पाई बाई टू ही आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, पाई बाई टू ही आएगा, ठीक है। चलें आगे, क्या बना यहाँ से बताओ फिर। आर्ग्यूमेंट आपका कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू, बताओ थीटा पाई बाई टू आ गया आपका, करेक्ट। सारे क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों, कौन सी एक्सरसाइज है, 5.3। देखो जरा बच्चों, आपने क्लास 11th में पढ़ा था, सॉरी 10th में पढ़ा था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसके रूट्स हम डिसाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ये रूट्स को सेपरेट करता है कि किस टाइप के रूट्स होंगे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर डी आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर, रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। थर्ड, इफ डी इज लेस देन जीरो, देन रूट्स कैसे होंगे, रूट्स, वहाँ पर कहा जाता था कि नो रियल रूट्स, रूट्स आर इमेजनरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेजनरी। रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, राइट। चलो इमेजनरी रूट्स को कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं हम,
क्या है इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है ये 5.3, ठीक है, जेड इज सॉरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस में 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके रूट्स आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसका डी चेक करेंगे। डी क्या होता है, वी स्क्वेयर माइनस 4ac। वी कितना है यहाँ पर, वी की वैल्यू क्या है 0 माइनस 4। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 1। सी कितना है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया माइनस 12, यानी कि लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते हैं। सो बच्चों एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आप रूट ऐसे ही निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस बी कितना है यहाँ पर 0 है, माइनस 0 प्लस माइनस। अच्छा देखो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बताओ माइनस 12 अपॉन 2, यही आएंगे रूट्स। अब इनको क्या लिखोगे, 0 प्लस माइनस माइनस रूट 12, इसको आप लिखोगे इस ये जो देखो रूट ऑफ माइनस 12 को कैसे लिखोगे, रूट माइनस 12 का बच्चों आप लिखोगे माइनस 1 इंटू 12। क्या लिखोगे, माइनस 1 इंटू 12। इस माइनस 1 को आप लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 क्या होता है आयोटा स्क्वायर इंटू 12, राइट। ये आयोटा स्क्वायर आपका रूट से बाहर आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा रूट से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो रूट से बाहर हम इसको आयोटा लिख सकते हैं और ये बचेगा रूट 12। वैसे तो आप रूट 12 को भी क्या लिख सकते हो, 2√3, राइट। समझ आया आपको रूट 12 को कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ 2√3 आयोटा और डिवाइड में क्या है 2 है। अब आप जीरो को तो छोड़ ही सकते हैं, तो एक्स क्या आ गया आपका प्लस माइनस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो एक्स क्या हो गया बच्चों, कट कर देंगे प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। ये लिखना है, एक दो सब इस एक्सरसाइज की ओर देख लो, फिर बाकी आपको खुद घर से करके आने हैं, ठीक है। देखो जरा, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2x² प्लस में 1, सॉरी प्लस में 1 नहीं है, प्लस x है प्लस में 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो a क्या है बच्चों यहाँ पर, a है 2, b कितना है x के साथ जो है वो है 1, c कितना है वो भी है 1, ठीक है। सो x हम इसके फैक्टर बनाने पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्लास टेंथ में बनाते थे फैक्टर। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक्स यही होता है, दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू बताओ कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज व्हाट 1, तो 1 का स्क्वेयर कितना आएगा 1, ठीक है 1 स्क्वेयर माइनस 4, ये क्या है, ए क्या है 2, सी क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है राइट। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस दिस इज व्हाट 1 माइनस 8 हो गया, 1 माइनस कितना हो गया ये 1 माइनस 8, तो माइनस 7 आया डिवाइडेड बाई 4। अब इस माइनस 7 को आप क्या लिखेंगे बताइए जरा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस, इस माइनस 7 को क्या लिखोगे बच्चों, माइनस 7 इज इक्वल टू बोलो जरा माइनस 1 इंटू 7, और माइनस 1 क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू 7, निकालो इसका रूट कितना आया, रूट 7 आयोटा। तो इसे बच्चों आप लिखेंगे रूट 7 आयोटा, मिलन क्या लिखेंगे इसको, रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये आपके एक्स की वैल्यू वाली, ठीक है।
देखो जरा नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक और क्वेश्चन देखो। सेवेंथ क्वेश्चन को देखो जरा, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन इज रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन है। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो ये गिवन है। देखो जरा क्या करें, ए क्या है बच्चों यहाँ पर, ए रूट टू है, बी कितना है वन है, बी कितना है वन है और सी कितना है रूट टू है। ठीक है, ए रूट टू है, बी वन है, सी कितना है रूट टू है। एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है बच्चों, ठीक है, दिस इज एक्स इज इक्वल माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बताओ कितना है वन का स्क्वायर, वन माइनस फोर ए कितना है, ए कितना है रूट टू, सी कितना है वो भी रूट टू, सी भी रूट टू है डिवाइडेड बाई टू ए, ए क्या है। ठीक है, दिस इज माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस बताओ ये फोर इंटू टू एट, तो ये क्या आया फोर माइनस वन माइनस एट, फिर से ये क्या आ गया माइनस सेवन आ गया, माइनस सेवन अपॉन टू रूट टू, करेक्ट, माइनस सेवन अपॉन टू रूट टू। और इस माइनस सेवन को क्या लिख दोगे, सेवन आयोटा, रूट सेवन, हाँ रूट सेवन आयोटा, पता है ना कैसे, यस सर, टू रूट टू, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बच्चों मैं आपको। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था हमारा सेवन, एट था, ऐसे ही करना है जो आप करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर नाइन करवा रहा हूँ, ठीक है, नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप इसमें थोड़ा सा सिंपल रहेगा अगर पहले ही आप एलसीएम ले लेंगे तो। सो आप एलसीएम ले लीजिए, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे बच्चों बताइए जरा इसमें, रूट टू को जीरो के साइड भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ, एलसीएम राइट साइड में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी, बी कितना है बताओ जरा यहाँ पर कल्याणी, बी कितना है रूट टू, बी दिया हुआ है रूट टू प्लस माइनस बी कितना है रूट टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर टू माइनस फोर ए कितना है रूट टू, फोर ए सी क्या है बच्चों वन अपॉन टू ए टू रूट टू। सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टू माइनस रूट टू प्लस माइनस बताओ जरा क्या होगा, ये टू माइनस फोर रूट टू अपॉन टू रूट टू। ठीक है, अब बच्चों क्या लिखोगे इसको जरा देखो जरा, ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ध्यान से देखो, टू माइनस फोर रूट टू क्या है बच्चों, एक नेगेटिव नंबर है, ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ा है और ये स्मॉलर है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे माइनस इंटू फोर रूट टू माइनस टू, ऐसा लिख देंगे। और ये जो माइनस है इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन, इस माइनस वन को बना देंगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा आ जाएगा फाइव, आयोटा इंटू फोर रूट टू माइनस ऐसे, सो ये क्या बन जाएगा रूट टू माइनस रूट टू प्लस माइनस आयोटा इंटू
आयोटा इंटू, देखो जरा, फोर रूट टू माइनस अपॉन क्या है, टू रूट। ठीक है बच्चों, एक बार इसको आगे समझ लो फिर नोट करना, देखो क्या है आगे, माइनस रूट टू। मैं यहाँ से टू कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं टू कॉमन ले रहा हूँ, टू कॉमन लेके मैं उसको रूट के बाहर लिख रहा हूँ, तो वो लिखा जाएगा रूट टू आयोटा इंटू रूट टू इंटू, अंदर वाले रूट के अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से टू कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा टू रूट टू, टू रूट टू माइनस, यहाँ से टू कॉमन ले लिया तो वन बचेगा, डिवाइडेड बाई टू रूट टू। समझे आप, ये क्या किया मैंने, यहाँ से टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पर टू हो गया और यहाँ पर वन हो गया। ठीक है, तो रूट टू बाहर आएगा, ऊपर से मैं रूट टू कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, वन माइनस वन प्लस माइनस, रूट टू मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आयोटा अंडर रूट के अंदर क्या है, टू रूट टू माइनस वन दिस अपॉन टू रूट टू। ठीक है, इस रूट टू को आप इस रूट टू से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस वन प्लस माइनस आयोटा इंटू अंदर क्या है, टू रूट टू माइनस वन अपॉन, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो जरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट को ऐसे लिखते हैं, आप भी देखो, कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, राइट। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस टू प्लस रूट थ्री आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, माइनस टू माइनस रूट थ्री आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, हाँ, तो जेड इज इक्वल टू, बस आयोटा पार्ट का साइन चेंज करना है आपको और कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट ले लिया जाए, जैसे इसी का देखो आप, दो बार कॉन्जुगेट कर दोगे, इसका दोबारा कॉन्जुगेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर रहे हो आप तो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, वापस ये जेड के इक्वल ही बन गया। सो अगर दो बार कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉन्जुगेट का सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्वाइस कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो वापस अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में है, जेड वन प्लस जेड टू है और इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है, मतलब पहले दोनों को हम ऐड करें फिर उसका कॉन्जुगेट निकालें, या फिर हम पहले दोनों के कॉन्जुगेट निकाल लें फिर दोनों को ऐड कर दें, ये दोनों क्या होंगे बराबर, पहले दोनों के कॉन्जुगेट निकाल लें फिर उनको ऐड कर दें तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड, जेड वन इंटू जेड टू होल कॉन्जुगेट, अच्छा ये रूल माइनस पे भी वैलिड होगा। ठीक है, पहले दोनों को माइनस करें फिर कॉन्जुगेट निकालें, या पहले कॉन्जुगेट निकाल लें फिर माइनस करें। जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट। थर्ड, फोर्थ, जेड वन अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है और उसका होल कॉन्जुगेट है, आप पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लीजिए बाद में उनको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका क्या होगा, बराबर ही रहेगा, वही रहेगा, पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिए फिर उनको डिवाइड कर दीजिए, बट कंडीशन ये है कि जेड टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर एन कोई इंटीजर है तो जेड कॉन्जुगेट की पावर एन, जेड कॉन्जुगेट टू द पावर एन इसके इक्वल होगी जेड टू द पावर एन होल कॉन्जुगेट, फॉर एनी इंटीजर जेड पहले आप कॉन्जुगेट निकाल के उसकी पावर करें,
या पावर निकाल के फिर कंजुगेट, पावर पहले करें फिर उसका कंजुगेट करें, आंसर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट, या कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। चलें आगे, एक और प्रॉपर्टी है, जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए प्लस आयोटा बी क्यों, मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड क्या होगा बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, ये मॉड जेड होता है। मॉड जेड का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वेयर बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज मॉड जेड स्क्वेयर, राइट। ठीक है, मॉड जेड स्क्वेयर ये होगा, ओके। अच्छा बच्चों आप एक बात बताओ, आप जेड इंटू जेड बार करेंगे, जेड इंटू जेड बार, जेड इज व्हाट, ए प्लस आयोटा बी, और जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वेयर, ये कल भी हमने किया था। जेड इंटू जेड बार बताओ क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाँ आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, उसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, जेड मॉड जेड स्क्वेयर भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल है, जेड इंटू जेड बार भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल है। सो आप क्या कह सकते हैं, जेड इंटू जेड बार इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वेयर, ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वेयर, करेक्ट। तो बच्चे यहाँ तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे फॉर्मूले दोबारा लिख के देख लीजिए, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।